48 का मुकाबला है और इस मुकाबले के अंदर गुजरात टाइटंस से पंजाब किंग्स की भिड़ंत होने वाली है। जहां पर गुजरात टाइटंस पहले पायदान पर है तो वहीं पंजाब किंग्स सातवें पायदान पर है और आज देखने की बात रहेगी कि पंजाब जीत करके ऊपर आ पाती है या फिर वापस से उसी स्थिति पर बनी रहेगी। तो देखिए इसी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आईपीएल के 48वें मुकाबले में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीमें आज आमने सामने होंगी। यह मुकाबला डीवाई पाटिल स्टेडियम मुंबई के अंदर खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस 9 मुकाबलों में 8 जीत करके 16 अंकों के साथ पहले पायदान पर बनी हुई है। उसका नेट रन रेट 0.377 है। तो दूसरी तरफ पंजाब की बात करें तो पंजाब 9 मुकाबले खेल करके 4 जीत चुकी है और 8 अंकों के साथ में अंक तालिका में फिलहाल 7वें स्थान पर है। उसका नेट रन रेट भी -0.470 है। पंजाब को खेल के स्तर में लाना सुधार होगा, तभी पंजाब आगे जीत सकती है। पंजाब ने जब चेन्नई को 11 रन से हराया तो लगा कि वह टूर्नामेंट में वापसी कर सकती है, पर इसके अगले मुकाबले में पंजाब लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथों 20 रनों से मुकाबला गवा बैठी और पंजाब की कहानी साल दर साल कुछ ऐसी ही रही है। इस टीम के खिलाड़ी कुछ शानदार प्रदर्शन कर उम्मीद जगाते हैं और फिर एन मौके पर फैंस को निराश कर देते हैं।